ये रास्ता में कांड हुआ था 26 मई 1984 को, तो डकैत जो जमुना जी की जो है ना घाटी, उसी से इस तरफ उतरे और गांव में कहा कि हमें पंचायत करना है, तो सब लोगों को इकट्ठा करके उस टाइम हमारे पिताजी प्रधान थे, तो उन्हें इकट्ठा करके उन लोगों ने सबको घेरा में किया और आसपास पूरे डकैत खड़े हो गए। फिर उन्हीं सब लोगों के बीच में मेरी माँ को नंगा करके घुमाया। आप ही की? मेरी माँ को नंगा करके उन डकैतों ने 15-20 लोगों के बीच में नंगा करके घुमाया और फिर हाँ फिर उनको गोली मारी तो आंचल से निकल के गोली, अब बदमाश खड़ा था उसकी टांग में लग गई गोली। 13 लोग गोली से मारे गए, 2 आगे से जले और पूरे गांव में आग लगा दी थी। पूरे गांव में इस आस्था पूरे गांव में लाला राम श्रीराम और कुसुमा नाइन ने एक खूनी खेल रचाया था, आस्था कांड आपने सुना होगा। मैं आस्था कांड का जिक्र आज भी कई यूट्यूब चैनल चलते करते हैं, लेकिन हम आपको इस स्टोरी में उनके गांव में लिए चलते हैं। हम आपको शहीद स्मारक दिखाते हैं जहां पर आज भी उन लोगों के नाम लिखे हैं और 26 मई 1984 वहां पर गलत लिखा हुआ है, 26 मई 1984 की ये घटना है और इस घटना ने पूरे भारतवर्ष में तहलका मचा दिया था। आज भी इस घटना का जिक्र होता है, किस तरह से ये घटना घटी थी, क्या वजह रही थी और कौन कौन से लोग इसमें मारे गए थे, कितने लोग इसमें मारे गए थे, क्या उनका शव यहाँ पर गाँव में लाया गया था या फिर डकैत उनके साथ ले गए थे, ये तमाम सवाल हम आपसे इन ग्रामीणों से करेंगे और साथ ही में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस अंधेरी रात के बाद कभी वो डकैत लौटकर इस गांव में आए हैं। तो ये तमाम सवाल है, हम एक एक करके इन गांव वालों से ही पूछेंगे, इन ग्रामीणों से ही पूछेंगे, गांव के बुजुर्गों से जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस शहीद स्मारक पर एक बार और नज़र डाल लीजिए, ये शहीद स्मारक इस बात का सबूत है और ये गांव वाले खुद बताएंगे कि ये जो मयस्ता कांड जो हुआ था इसकी सच्चाई क्या है। तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, आइए गांव वालों से आपको रूबरू करवाते हैं, गांव वाले खुद क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे आप आगे की वीडियो में देखिएगा। इतना तो कांड क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था? जात पात के ऊपर हुआ था। अच्छा। जो हमारी फूलन देवी थी तो उन्होंने बैमई कांड किया था, उनकी बेइज्जती हुई थी तो मैं बैमई कांड किया था, तो ठाकुरों के मारे थे, तो उस रूप में मैंने जात पात के कारण ले करके हमारे आस्था गांव में कांड किया कि 13 लोग गोली से मारे गए, 2 आगे से जले और पूरे गांव में आग लगा दी थी। पूरे गांव में इस आस्था पूरे गांव में? अच्छा। हाँ, अब गांव वाले सब खेल खलियान आसपास रखे थे, खेल खलियान सब साफ हो गया था, जल गया था और 13 लोगों को गोली से मारे, फिर मार करके ये रास्ता पश्चिम साइड को चले गए। अच्छा। उसके बाद पुलिस आई है, पर कुछ लोग सब डर के मारे भाग गए, 8-10 दिन बाद गांव में इकट्ठे हो पाए धीरे धीरे, पर आप पर सरकार ने जो कुछ सहायता दी है वो कोटी ने दे दी, कुछ रुपया 1,000 दे दे, बस ये है, मृत्यु वालों को 5,000 रुपए दे दिए। तो आस्था कांड के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, विस्तार से जानते हैं, भाई साहब हमारे साथ हैं, आस्था कांड के ऊपर मूवी बनवाई आपने बोला? जी मैंने सन 2012 में मूवी बनवाई थी यहाँ पर, ये आस्था में कांड हुआ था 26 मई 1984 को। अच्छा। हाँ, करीब वही टाइम रहा होगा 5 बजे का, 4-5 बजे का टाइम रहा, तो डकैत वो जमुना जी की जो है ना घाटी, उसी से इस तरफ उतरे और गांव में कहा कि हमें पंचायत करना है, तो सब लोगों को इकट्ठा करके उस टाइम हमारे पिताजी प्रधान थे, तो उन्हें इकट्ठा करके उन लोगों ने सबको घेरा में किया और आसपास पूरे डकैत खड़े हो गए। अच्छा, बहाने से बुलाया कि पंचायत करना? हाँ, पंचायत के बहाने से बुलाया। हाँ। कि प्रधान को बुलाओ, हमें पैसे चाहिए, उससे हमें औजार खरीदना है। हाँ। तो हमारे पिताजी तो निकल गए बाहर, माता जी को पकड़ लिया। हाँ। फिर उन्हीं सब लोगों के बीच में मेरी माँ को नंगा करके घुमाया।
आप ही की? मेरी माँ को नंगा करके उन डकैतों ने 15-20 लोगों के बीच में नंगा करके घुमाया, और फिर हाँ फिर उनको गोली मारी तो आंचल से निकल के गोली, बदमाश खड़ा था उसकी टांग में लग गई गोली, तो लोगों ने कहा, उन्होंने कहा साथियों ने, उनके ने साथी को गोली लग गई, जब तक वो साथी को देखने लग गए कि गोली लगी तब तक मेरी माँ इधर जो जंगल है उसमें चली गई नंगी उघारी। अच्छा। इसके बाद डकैतों ने सोचा कि वो नंगी उघारी औरत अपने घर गई होगी, तो उनने कुंडी लगा के घर में आग लगा दी। हाँ। और जितने लोग थे सबको सूट बोल दिया, सबको मार दिया। सबको गोली मार दी, फिर पूरे गांव में आग लगा दी, तो यहाँ भेड़ें बकरियाँ मतलब हर चीज जन धन सबकी हान हुई। उस टाइम हम करीब वो कच्चा 6 में पड़ रहे थे। अच्छा, हमारी उम्र ऐसी 12-13 साल की उम्र रही होगी हमारी। अच्छा, आपकी माँ उसमें जिंदा बच गई अभी 2002 में मरी है। अच्छा। फिर इसके बाद हम यहाँ पढ़ते रहे, हमने 87 में हाई स्कूल किया, 89 में इंटर के बाद मैं कानपुर DAV में चला गया 90 में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से आए तो कुचड़ हो गई, मैंने यार तुम्हारी माँ को डकैतों ने नंगा किया है फलाना। अच्छा, आप छोटे थे 84 में। हाँ। इसके बाद हम पढ़ते रहे। हाँ। इसके बाद उन्हीं डकैतों की भांजी हमने 1997 में अपहरण किया। अच्छा। हाँ, इज्जत का बदला इज्जत लिया। आप इन्हें? हाँ, अभी रखे यादव कोर्ट में रज करा दी, 2 बच्चे उसके हलुआ गाँव में रहती है, किसी गाँव का रहने वाला था यादव। किसके परिवार से? राम श्रीराम की वो भांजी है। अच्छा, जो हाँ भांजी को आपने अपहरण किया? हाँ, जो डकैत थे ना लाला राम श्रीराम कुष्मा नायन, उन्होंने एक मनोविज्ञान तरीके से अपनी बुद्धि लगा के जात पात पे कांड किया था यहाँ। अच्छा। हाँ, फूलन ने वहाँ बेमई में किया, तो उनकी आबरू लूटी गई थी फूलन की। हाँ। तो उनने अपना बदला लिया था, और इन्होंने ठाकुरों ने सोचा कि ये मल्ला गाँव है, मल्लाओं का गाँव है, तो इन्होंने यहाँ पे कांड किया, ठाकुर का बदला यहाँ लिया गया, तो इज्जत का बदला इज्जत हमने भी लिया। अभी रखे उस लड़की को और मेरा आराम से रह रहे, साकुशल से बच्चे भी है, शादी हो गई और डकैत सब खत्म हो गए, हम लोग आराम से रह रहे साकुशल, सबसे प्रेम संबंध है ना, कोई अब कोई जात पात नहीं, ना ठाकुर ना यादव, कोई संपर्क नहीं किसी से कोई। हाँ, दसविहीन अब जंगल हो गया है, दसविहीन जंगल हो गया। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे जिनने हमला किया था इस गाँव पे? कम से कम 20-25 थे। 20-25 थे। उसमें मुख्य तौर पर लाला राम श्रीराम कुष्मा नायन मेन लीडर थे। ये मेन लीडर थे जी। अच्छा, उनको सजा हुई बाद में? सजा का अब लाला कुष्मा तो लाला राम श्रीराम तो मारे गए जी, और कुष्मा नायन और फक्कड़ वो इसमें थे नहीं। हाँ। वो अभी भी जेल में है फक्कड़ के साथ, और हो गई है ये जब मारे गए वो फक्कड़ के गैंग में मिल गई, तो अभी इस चले ग्वालियर जाके जिन्हें सरेंडर कर दिया, तो इस टाइम जेल में है। अब ये पता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि हुआ था 4 बजे। अच्छा, शाम को। दिन के 4 बजे 26 मई 1984 को, दिन में सुबह सुबह की ये भी शाम को? शाम के 4 बजे। 4 बजे तो 4 बजे तो फैसले रहती है। हाँ। मई के महीना में। हाँ, 7:30 पे बस सुबह 8 पे मुनते। अच्छा, जो इनके जो शव थे, जो लोग मारे गए थे, उन लोगों को पुलिस ले गई थी इटावा। अच्छा। इटावा से फिर बाद में कुछ गांव के लोग गए हैं, फिर उनको लाए हैं, जब पोस्टमार्टम होने के बाद तब वहां अपने मिट्टी लगाई है। अच्छा, अंतिम संस्कार इसी गांव में हुआ था? हाँ, वहाँ जमुना किनारे हुआ था, वहां से इटावा से आ गई थी। यहाँ तो साधन नहीं था आने जाने का, कोई सवारी का, तो सीधी सड़क से पुल पर हो रही है। अच्छा, ये कांड करने के बाद वो फिर से आए थे कुष्मा नायन या? नहीं, फिर नहीं आए। इस गाँव में नहीं आए? फिर नहीं आए। आपने उनको देखा था कभी? हमने तो देखा नहीं है। कुष्मा को, फूलन को, किसी को भी? फूलन को, फूलन तो या छोटेपन में हम उसके घर पे भी जाते थे, रिश्तेदार के रूप में बिरादरी की थी। हाँ, और कुष्मा को एक बार मैंने देखा था कांड के कभी कभी 8-9 साल पहले, वहाँ रेती में हम फिर रेती के खरबूजा तरबूज ककड़ी करे हुए थे, तब वो वहाँ पार भई थी, तो रेती में गए हुए थे, उस सामने हम खरबूजा तरबूज खा करके वे सामने से चढ़ गए। अच्छा। ये जो शहीद स्मारक है किसने बनवाया? सरकार ने बनवाया है कि गांव वालों ने बनवाया है? देखो, गांव वाले ने बनवाया है, कुछ वन विभाग के ने सहयोग दिया है, थोड़ा चबूतरा था गांव वाले को, और पहले कांग्रेस सरकार थी इस टाइम,
जब जे तो पर गौरी शंकर आना जाना रहे, उन्होंने पांच विशेष जगह गौरी शंकर ने स्थाई करी थी शहीद स्मारक के लिए। अच्छा, ये जो विवाद हुआ था दोनों जातियों के बीच में, आप इसको डिटेल में और थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि क्या वजह रही थी, क्यों ठाकुरों को मारा था, क्यों फिर ठाकुरों ने यहाँ आके ये सब किया था? मतलब अरे डाकू विक्रम के साथ फूलन देवी थी। जब विक्रम जब जिनकी वही लड़की किसी के में गैंग में हुआ एक दूसरे को वो चढ़ा हो जाता कि हम इसको हम आपा पास रख के बेका आपा पास रख के, तो विक्रम को मार के जेल ले गए। अच्छा। बेमई कौन ले गए जेल? लालराम श्रीराम कुसमा, कुसमा नहीं थे, लालराम श्रीराम ले गए विक्रम को मार के। हाँ, तो बेमई ले गए, बेमई में उस पर नंगन होकर कुआ पे पानी आने भराया। अच्छा। हाँ, तो वो गांव में वहीं रखा, किसी भी तरह से बच्चे छुपी के किसी के द्वारा वो निकल गई जिला जालौन में, जमुना पार हो गई। अच्छा। हाँ, वहाँ से उसने फिर घूम गांव के पे गैंग बनाया और सब व्यवहार करने किया कि हमारी बेइज्जती इन लोगों ने कराई है, तो उस बात जात पात के कारण अस्ता का जंगल में पड़ता है। अच्छा, कांड करने के पहले कभी आए रहे यहाँ पे देखने के लिए कि कौन कौन से घर है, जानकारी लेने के लिए वो लोग? डाकू तो ऐसा ये गढ़ था यहाँ जंगल, अगर पुलिस इधर से आ रही है तो डाकू इधर जा रही है, इधर से निकल जाते थे ऐसे जंगल में, ऐसे ही निकल जाते जंगल में, और इधर से अगर पुलिस घूमा तो घूम पाई तो इधर को निकल गई। अच्छा। मतलब ये तो जंगल है, आस पास जंगल है, बीच में वहाँ हम लोग ऐसे है तो उनसे लड़ाई ले नहीं पाएंगे। अच्छा, घूमते थे पैदल घूमते थे वो लोग? पैदल ही चलते थे डाकू, राइफल ही लेकर गए। राइफल लेकर पैदल? ज्यादा से ज्यादा कितने देखे? कितने कितने डाकू आपने देखे होंगे एक साथ? तो यहाँ तो हमने खैर नहीं इतने देखे, यहाँ तो ऐसी 10-12-15। वैसे मालखान का गैंग था लखनऊ के पास, नौ की मड़ैया है, हम उसी के रहने वाले, आज हमें 40-42 साल हो गए इस गांव में, कांड के पहले से आए भाई हैं। कांड के पहले से मखान सिंह डाक, उसके साथ मैंने देखे थे 105 आदमी। अच्छा, 105 मलखान सिंह के साथ? और नहीं मैंने देखे। अच्छा, और नहीं मैंने, और 8-10 कभी कभी मिल जाते थे तो 8-10 10-12 आधे 15 कई बार मुठभेड़ हुई। हम लोगों को कोई नहीं रहा, देखा हो कभी आप साक्षात्कार रहे में तो बाद में भाग जाते हैं, 2-4 को रह गए, एक आदमा रह गया तो और भाग गए, तो जब पुलिस ने गिनती नहीं कर पाती हम क्या करेंगे वहाँ मुठभेड़ में। इसके बाद अभी पुलिस आती जाती है यहाँ पर इस कांड के बारे में जानकारी लेने के लिए, परिजनों से बातचीत करने के लिए? इस कांड के बारे में कोई पुलिस नहीं आती है, केवल पत्रकार भी आते, बस मीडिया वाले, पत्रकार मीडिया वाले आते हैं, ना कोई सरकार ने कुछ इसके रूम में कोई ऑब्जेक्शन लिया भी। उसके बाद कभी डाकू आए यहाँ पे वो लोग? कोई डाकू नहीं। कांड के बाद तो बहुत प्रयास किया ना उनने, जब हम उनकी वो भांजी ले आए थे हमें मारने के लिए, कई के बाद प्रयास किया गया, पुलिस ने हम पे मुकदमा लगाए थे, तो वो लड़की को जब हमने सिलेंडर किया वहाँ, तो लड़की ने कह दी हम अपनी मर्जी से आए, जब बच्चे हो गए उसके, तो उसने कहा हम अपनी मर्जी से, हमें कोई नहीं भगा के लिया, तो फिर कोर्ट मैरिज करवा दिया, आराम से रह रही है। अच्छा, जो ये कांड में जो लोग मारे गए थे उनके शव कहाँ पे, अंतिम संस्कार उनका कहाँ? उनका अंतिम संस्कार तो शेरगढ़ घाट पे हुआ था, वहीं से लकड़ी आई थी, वो कोई आठ दिन तक कोई रात नहीं मिली, पांच दस दस तीन के तख्ते मिले थे जो रखे हैं इधर साइड रखा हुआ, और 5,000 रुपया मृतकों को मिले थे, और 1,000 रुपया जो हम लोगों के घर जले थे, और कोई सहायता नहीं मिली, आठ दिन तक नहीं मिली। अभी हम लोग बाढ़ में पीड़ित रहे, यहाँ आप खड़े हो, जो टावर, जो पूरा टावर जो खड़ा है जो बैटरी वाला, पूरा यहाँ ना पूरा जल ही जल चल रहा था, तो हम लोग भेड़ बकरियाँ वो ऊपर मंदिर मिला आपको वहीं पर रुके थे, मैं भी बच्चों सबके मतलब साथ पूरा गांव, तो वही खाना पीना मिला, अब हमारी फसल डूब गई, मकान डूब गए, सब कुछ, कोई कुछ नहीं, कोई एक रुपये की राहत नहीं मिली सरकार से, कोई केवल वही भैंसों जैसा मतलब खाना पीना भोजन बस, कोई चीज़ नहीं, कोई किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। और ना इस कांड के बारे में कुछ ऐसा विशेष राशि आप? कुछ नहीं आया, एक बार और एक सज्जन आए थे जो मतलब प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समाज निषाद समाज की आप न्यूज़ निकालें कि बेमई में क्या हुआ, बेमई को तो सब जानते हैं,
है, वो जो इस आस्था कांड को कोई नहीं जानता अभी तक, आस्था में कांड हुआ, लेकिन आप लोग फेमस कर रहे कि उसको जानकारी हो यहाँ कैसे प्रताड़ित हुए लोग, कैसे रह रहे हैं, अभी समान जो है वो हर नहीं पाया उन परिस्थितियों से, और कहीं बाढ़ आ जाती कहूँ हम लोगों को विकास का काम ही नहीं हो रहा है किसी तरह से। नहीं, आपने आस्था कांड के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी और डिटेल से आपने समझाया कि क्या वजह थी क्या नहीं थी तमाम सारी चीज़ें, और आपकी माता रानी भी उस आस्था कांड की एक साक्षात्कार रही है। तो हम लोग साक्षात्कार जब कांड हुआ तो हम लोग भाग गए, माने पकड़ के भगा दिए, भागो भागो, तो हम लोग सीधे वो सेहोली गाँव था उस गांव में रहे जाए, वहाँ राजपूत रहते, वहाँ से फिर फोन वो कहना फोन तो थे नहीं पहले, वो पीएससी थी वायरलेस रहता था, वहाँ से वायरलेस की अगर फिर पीएससी आई, एक दरोगा औरैया थाने की पुलिस नहीं आ पाई थी, सिकंदरा थाने का एक दरोगा था ध्रुवलाल, वो आया था मोटरसाइकिल पे अली। अच्छा। हाँ, तब फिर हम लोग सुबह आए तो लाशें ऐसे पड़ी, फिर वहाँ से मिले पूरा घर, जो दो तीन घर बगे थे बच्चे थे बाकी पूरा घर शमशान भेड़ें बकरियाँ, बहुत बुरा दृश्य था उस टाइम पूरा, मतलब सब हमारी नजरों में वही दिखता है। अच्छा, मतलब पूरा गांव जल के राख हो गया था। हमारी 52 साल की उम्र हो गई अब, 1170 हमारा जन्मदिन है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी जानकारी दी और ये जो आस्था कांड है इसके बारे में लोगों तक हम लोग सच्चाई पहुंचा रहे हैं। भाई साहब की माँ जी भी खुद उस आस्था कांड का साक्षात्कार रही है, उसका शिकार रही है, और तमाम सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी ली है। तो हम गांव-गांव में जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक इस कांड को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा कांड यहां पर हुआ था और भाई साहब कह रहे हैं सरकारी राशि अभी तक नहीं मिली है, कोई विशेष सहायता सरकार से नहीं मिली है। तो तमाम सारी चीज़ें, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोग आप ही के लिए मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।